एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे शरद यादव ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शरद यादव ने कासगंज की घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बताया, तो वहीं केंद्र सरकार पर चुनाव से पहले देश में फसाद कराने के गंभीर आरोप लगाए। अब ये कासगंज यानी वहाँ विकट हालत है, और मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो गवर्नर साहब है वो मेरे साथ सदन में रहे, वो भले आदमी, उन्होंने जो कहा है कलंक है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है वो आज भी वहाँ, और सब झूठ फैलाया जा रहा है। यानी चुनाव आते हैं, चुनाव को देश में लड़ने के लिए सिर्फ ये नहीं, ये एक चुनाव में लगे हैं इतने बरस से, 3.5 साल, ये सबके खाते में डालेंगे। उसकी जगह नोटबंदी ने कर दी, 3 महीने धंधा व्यापार ठप हो गया, जो लगी हुई नौकरी थी वो भी चली गई। एक तो इसने वादा पूरा नहीं किया, लगभग 4 बरस होने वाला, सिवाय धर्म और मजहब के कोई दूसरी कामें नहीं कर रहे, कहीं लव जिहाद, कहीं घर वापसी, कहीं ताजमहल, फिर कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठाते, रास्तों को बदल रहे नाम, यानी सिवाय कैसे धार्मिक बंटवारा हो। चुनाव से पहले शरद यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब वक्त ही बताएगा कि अपनी मुहिम में वो कितने कामयाब होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट।